ओके गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी ओर से लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आपके हमारे चैनल टेक्नो पांचाल में फिर से स्वागत है। तो गाइज, आज इस वीडियो को मैंने सिर्फ और सिर्फ एमआई यूज़र्स के लिए बनाया है, वो लोग जो कि एमआई के हैंडसेट को यूज़ करते हैं। ओके, तो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि कल एंड्रॉयड पाई जो है वो लॉन्च हुआ था गूगल पिक्सल मोबाइल के लिए, तो उसका थीम आ चुका है एमआई के फ़ोन्स के लिए। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने ही फ़ोन से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि मैं एमआई का कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज, आते हैं सेटिंग में, अबाउट फ़ोन। आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे ऊपर एम आई मैक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, जिसमें 3 GB रैम है और इंटरनल स्पेस जो कि 32 GB का आता है। तो गाइज, ये हाल फिलहाल मैं आपको थीम में लेके आता हूँ और ये थीम में आ गए, ठीक है। मैंने अभी फ़िलहाल में डिफ़ॉल्ट थीम को सेट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करता हूँ थीम को, जो कि एंड्रॉयड पाई जैसा ही है बिल्कुल। एम आई यू आई में आता हूँ, थीम AndroidPie.mtz। तो गाइज, अगर आप MI के फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो जो उनका थीम का फॉर्मेट होता है वो होता है .mtz। ओके, मैं ओके करता हूँ, ये इंपोर्ट हो रहा है थीम यहाँ पे। Android Pie नाम से है। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो Android Pie नेम का थीम जो है यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब मैं आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ, ये दिखता कैसा है। देखिए, ये गाइज इसकी मेन फ्रंट स्क्रीन है। ओके, ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से बैटरी का आइकन यहाँ पे चेंज हो चुका है और जो वॉच है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड में ऊपर आएगी, ठीक। आइकन आप देख सकते हो, जैसे कि डायलर का आइकन चेंज हो चुका है, मैसेज का चेंज हो चुका है और ये कैमरे का भी, इस तरीके से आइकन चेंज हो जाएंगे। ये इसमें बैकग्राउंड में वॉलपेपर आएगा और बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर इसका टाइम दिखाई देगा। ओके, आप देख सकते हो हर एक आइकन को किस तरीके से दिखाई देता है। बिल्कुल जो आइकन है इनको वेल प्रॉपरली डिजाइन किया गया है, बिल्कुल सर्कुलर ये दिखाई देंगे आपको। ओके, ये इस तरीके से जब आप स्विच करोगे किसी एक ऐप से दूसरे ऐप में तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, ये आपका नोटिफिकेशन पैड है या नोटिफिकेशन पैनल जिसको हम बोल सकते हैं। इस तरीके से आपको गाइस इसमें आइकन दिखाई देंगे, जितने भी आइकन होते हैं मेन वो सब इस स्क्रीन पर आ जाएंगे, साइलेंट, रोटेट ऑफ, लॉक एटसेट्रा। ओके, लास्ट में आप देख सकते हो जैसे जो आपका डायल पैड होगा वो आपको गाइस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये मैसेजिंग है। ओके, तो मैं आपको एक बार इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक। अभी इसमें आ रहा है कि थीम फ्रॉम द थर्ड पार्टी सोर्सेज आर नॉट सपोर्टेड। ओके, तो आप इसको किस तरीके से चेंज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए गाइस आपको क्या करना होगा, MIUI थीम एडिटर में जाना है, ये ओपन होगा। इसके बाद आपको ब्राउज थीम पे जाना है या बैक आ जाइए, मैं पिका थीम लेता हूँ। एंड्रॉयड पाई स्टार्ट आएगा, उसको यहाँ से कैंसिल कर देना। नेक्स्ट करता हूँ मैं गाइस, और यहाँ पे इसका बस नेम चेंज कर देना, कुछ भी आप जो चाहो वो। फिनिश पे टैप करना है आपको, फिर से ऐड आएगा, आप उसको हटा दें। ये इसका डिस्क्रिप्शन एडिट कर रहा है। ओके, थोड़ा टाइम लगता है इसमें गाइज, और अगर आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो नेट को चालू करने के बाद ही ओपन करना। प्लीज़ वेट बिल्डिंग द थीम, योर थीम हैज़ बीन सेव्ड, डू यू वांट टू इंस्टॉल इट, यस, देन इंस्टॉल पे टैप करना है आपको। योर थीम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, ओपन थीम मैनेजर एंड अप्लाई इट। ओके, मैं ओके पे टैप करता हूँ। आते हैं फिर से गाइज थीम में, यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहला आया है इसको मेरे को अप्लाई करना है। अब आ रहा है रीबूट टू अप्लाई दिस थीम फॉन्ट, मैं थीम को फॉन्ट को चेंज नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं नॉट नाउ पर टैप करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने इस थीम को अप्लाई कर दिया है। देखिए, सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन बाहर से चालू करता हूँ। आप देख सकते हो कि जो आइकन्स हैं नोटिफिकेशन बार में वो बिल्कुल टोटली छोटे हो चुके हैं और ब्लू और वाइट के पैटर्न में आपको नज़र आएंगे, ठीक। टॉर्च का हो गया, साइलेंट हो गया, मोबाइल डेटा, लॉक, वाईफाई एटसेट्रा। ओके,
आप इसको यहाँ से शॉर्ट से चेंज कर ही सकते हो, जिसको ऊपर नीचे लेना है वो आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मैं एक बार सेटिंग भी ओपन करके दिखा देता हूँ ये आपको किस तरीके से दिखाई देगा। सेटिंग का बिल्कुल जो पैटर्न है, जो कलर है, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। ओके, अबाउट फोन में यहाँ पर लिखा गया है प्योर एंड्रॉयड पी, ठीक है, एंड्रॉयड पी लिखा हुआ है, पाई है ये। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ लेफ़्ट राइट करके। देखिए इन्होंने गाइस जो सबसे ज़्यादा मेन वर्क किया है वो किया है आइकन्स पे। इसमें जो आइकन्स हैं वो आप देख सकते हो बिल्कुल सर्कुलर में इन्होंने दिखा दिया है। ऊपर अगर आप जाते हो तो इन्होंने जो क्या नाम है डेवलपर हैं, इन्होंने देखिए जो बैटरी है इसका आइकन चेंज कर दिया है और ये सेल टावर का चेंज कर दिया है। इधर आप देखोगे तो वॉच टाइम, ये जो वॉच है बिल्कुल लेफ्ट साइड में ले लिया है। ओके, मैं डायल पैड आपको ओपन करके नहीं दिखा सकता ना मैसेज। अब बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको अगर ये थीम पसंद आए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जाएँ और इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। वैसे मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ वहाँ से जाएँ और इसे डाउनलोड करके अपने MI के किसी भी हैंडसेट में ट्राई करके एक बार ज़रूर देखें। ओके, वीडियो गाइज अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल टेक्नो पांचाल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे गाइज, थैंक्स एंड बाय।